Good morning, dear children. How are you? Hope you are fit and fine and taking good care of your health. So children, earlier we read about map, type of map and conventional symbols, etc. Now children, let us discuss about plan. So plan is a layout of building. Layout hota hai bache, koi bhi cheez ban rahi hai, whether it is a factory building or a playground, even ghar ban raha hai, to uske parts ko kaise adjust kiya jaye. Jaise ghar banta hai to kitchen kahan rakha jayega, rooms kahan hoga, living room, drawing room, etc. This is the layout. Kahan shelves lagengi, kahan almira lagegi. Okay, ye sari cheeze plan ka hissa hai. Okay, so plan ke jo layout means उसके जो पार्ट्स हैं उन्हें अरेंज करना, इट मींस लेआउट. ओके, तो बिल्डिंग में कहाँ ऑफिसेज बनेंगे, किस साइड स्टेयर्स होंगी, प्लेग्राउंड में कहाँ पर बास्केटबॉल कोर्ट होगा, कहाँ पे खो खो ग्राउंड बनेगा, इट्स टाइप से. ठीक है, दिस इज़ लेआउट. तो एक तरह से आप इसे मैप समझ सकते हैं, बट जो आपने लार्ज स्केल मैप पढ़ा तो इट इज़ ड्रॉन ऑन ए कंपेरेटिवली लार्ज स्केल मैप. तो अगेन लार्ज स्केल के नाम से मतलब कि एक पेज पे ही, पेज भी मैप भी तो हमारा एक पेज ही होता है, उस पर आप एक रूम का भी प्लान बना सकते हैं विद डायमेंशंस. डायमेंशंस मीन्स उसकी हाइट, वेथ, लेंथ, सब चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा, उसके हर एक कोने का. वही उसकी डायमेंशन हुई ना, उसके हर एक कोने का ध्यान रखा जाएगा कि इस वाले जगह पे क्या सेट हो जाए, डोर्स कहाँ पे लगेंगे, विंडोज़ कहाँ पे लगेंगी, तो हर एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है प्लान में. ओके, तो एक रूम का भी बन सकता है. क्लियर? तो लार्ज स्केल मैप का मतलब आपको ऐसे भी समझाया था कि विच शो ग्रेट डिटेल्स, छोटी सी जगह का के बारे में ज़्यादा डिटेल्स बताना, छोटी जगह के बारे में मोर डिटेल्स. गॉट इट? दैट इज़ नोन एज लार्ज स्केल मैप. मोर डिटेल्स की वजह से इसे लार्ज स्केल मैप कह सकते हैं. ओके, सो डिफरेंस क्या है अब मैप एंड प्लान के बीच में, बोलने को इसे मैप कह सकते. द ओनली डिफरेंस बिटवीन द मैप एंड प्लान इज दैट, एक ही डिफरेंस है मेन तो बच्चे की, मैप क्या करता है, इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखाता है एंड सिलेक्टेड फीचर्स दिखाता है डेफिनेट पर्पज़ के लिए. चाहे हमने कोई भी मैप पढ़ा, फॉर एग्जांपल हमने थीमेटिक मैप पढ़ा, तो हम स्पेसिफिकली किस चीज़ के लिए बना रहे हैं उस मैप को, रेनफॉल दिखाने के लिए, पॉपुलेशन डेंसिटी दिखाने के लिए, या क्रॉप की प्रोडक्शन दिखाने के लिए. ओके, लेकिन वट इज़ प्लान, अब प्लान क्या है ये, बट प्लान इज़ अ ले आउट ऑफ वेरी स्मॉल एरिया, छोटे से छोटे एरिया. मैंने इवन रूम की बात कर ली बच्चे, आपको रूम छोड़ो, आप किचन तो उससे भी छोटा होता है ना रूम से, तो किचन के लेआउट की बात हो रही है, किचन में कितनी चीज़ें एडजस्ट करने के लिए होती हैं. ठीक है, उसका भी प्लान बन सकता है कि किचन में आपकी ये गैस स्टोव की शेल्फ कहाँ पर बनेगी, सिंक कहाँ पर लगेगी. ओके, बाकी स्टैंड कहाँ पर लगेंगे और कैबिनेट कहाँ पर बनेगा. गॉट इट? ऑल दिस इज़ लेआउट ऑफ अ प्लान. ठीक है, कि उसके पार्ट्स को कैसे एडजस्ट किया जाए. सो छोटी से छोटी चीज़ का भी प्लान बन सकता है, बट मैप का क्या है, अगेन यू नो, उसमें सिलेक्टेड चीज़ें दिखाई जा सकती हैं, रिवर, माउंटेन्स, एट्सेट्रा. दिखाने को तो बहुत चीज़ें दिखाओ, बट माउंटेन्स में माउंटेन ही दिखा सकते हैं ना, उसमें छोटी मोटे रिवर है तो वो चीज़ें दिखा सकते हैं, बट प्लान तो सब कुछ, माइन्यूट डिटेल्स, एक छोटी सी शेल्फ, विंडो, डोर, सब कुछ उस जगह का बताया जा सकता है, जो कि बहुत छोटी जगह हो सकती है, छोटा सा एरिया हो सकता है. गॉट इट? सो आजकल जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है बच्चे, टेक्निक ऑफ मैप मेकिंग जो है, बहुत ज़्यादा उसमें चेंज आ गया है. कंप्यूटर हेल्प्स टू ड्रॉ वेरी एक्यूरेट, शार्प एंड नीट मैप्स. कंप्यूटर हेल्प करता है बच्चे एक्यूरेट, शार्प और साफ़ सुथरे मैप्स बनाने में. अगर आप पुराने मैप को कंपेयर करेंगे कंप्यूटर जनरेटेड के साथ, तो आपको ईजिली डिफरेंस दिखाई दे जाएगा. ठीक है, द न्यू मैप्स पोजेज हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी. तो जो नए टाइप के न्यू टेक्नोलॉजी के मैप हैं, उनमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी दिखाई देती है, बहुत ही नीट एंड क्लीन एंड वो और बिल्कुल करेक्ट होते हैं. गॉट इट? नाउ बच्चे, मैप्स तो आपने काफ़ी देख लिए, ठीक है, जब से हम पढ़ रहे हैं पूरा चैप्टर, मैप्स तो आपने देख लिया, आप फिल भी करते हैं, बट दिस इज़ अ प्लान. ठीक है, एक फैक्ट्री का प्लान समझ सकते हैं आप. अब फैक्ट्री के डिफरेंट पार्ट्स को यहाँ पे लेआउट को शो किया गया है कि कहाँ पे क्या बनेगा. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं मशीनरी है या कुछ भी यहाँ पे खड़ा किया गया है. यहाँ पे छोटे छोटे कैबिनेट्स है, लुक ओवर हियर. ठीक है, यहाँ पे भी कुछ कैबिनेट्स बने हैं, यू कैन सी. यहाँ पे कुछ चिमनी टाइप्स लग रही हैं, बाहर गार्डन टाइप से बनेगा. ओके, इवन
आपको ट्रीज भी दिखाए गए हैं. ओके, तो ये एक फैक्ट्री का एक तरह से आप मिनी मैप इसको समझ सकते हैं, लेकिन लार्ज स्केल इसको कहेंगे आप. एक छोटी सी जगह एक फैक्ट्री की माइन्यूट डिटेल्स को भी बताया गया है कि किस पार्ट को कहाँ पे सेट किया जाएगा जब एक फैक्ट्री बन के रेडी हो जाएगी. गॉट इट? सो दिस इज़ द लेआउट ऑफ अ फैक्ट्री एंड अ प्लान ऑफ अ फैक्ट्री. सो आई थिंक प्लान एंड मैप्स आर क्लियर टू यू. ठीक है, प्लान अलग चीज़ है, मैप भी उसे कह सकते हैं, बट इट इज़ ड्रॉन ऑन लार्ज स्केल. एक रूम का भी हो सकता है, किचन का भी हो सकता है. ओके, देन देयर कम्स लास्ट टॉपिक, दैट इज़ एटलस. एंड एटलस इज़ अ कलेक्शन ऑफ मैप्स ऑफ द वर्ल्ड, द कॉन्टिनेंट्स एंड सेलेक्टेड कंट्रीज. तो एटलस एक बुक होती है एक तरह से, जिसमें बहुत ज़्यादा मैप्स रहते हैं, चाहे कॉन्टिनेंट्स के हों, पूरी दुनिया की कंट्रीज़ के हों, या सिर्फ सेलेक्टेड कंट्रीज़ के हों. ओके, और इसमें इंफॉर्मेशन भी रहती है. इट मे ऑल्सो इंक्लूड इंफॉर्मेशन एंड डायग्राम्स डीलिंग विद वेरियस टॉपिक्स. और उसमें काफ़ी इंफॉर्मेशन बताई होती है, लाइक द सोलार सिस्टम्स, ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ, पॉपुलेशन डाटा, मीन्स डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के बारे में डिफरेंट डाटा वहाँ पे अवेलेबल होता है. गॉट इट? उस मैप के साथ. ठीक है, अगर आपका पास यूएसए का मैप है तो यूएसए के स्पेशल फीचर्स के बारे में आपको और इंफॉर्मेशन दी होगी. गॉट इट? सो एटलस एक बुक होती है, स्पेशली मैप बुक. ओके, एज यू कैन सी हेयर, दिस इज़ एन एटलस, एंड इस पे आपको मैप बने हुए बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं, क्लियर दिखाई दे रहे हैं. और टू टू एटलस है, एंड इसमें भी आपको मैप दिखाई दे रहे हैं. ओके, सो आई थिंक एटलस इज़ ऑल्सो क्लियर टू यू. देन चिल्ड्रन, इन द एंड देयर कम्स फिजिकल मैप एंड पॉलिटिकल मैप. ओके, फिजिकल मैप हमने वैसे कल क्लियर किया था कि फिजिकल मैप में आप क्या दिखा सकते हैं, रिलीफ फीचर्स. ओके, टॉपोग्राफी में क्या डिफरेंस है, बार बार पढ़ेंगे तो लर्न हो जाएगा बच्चों को. टॉपोग्राफी में हर एक चीज़ आ जाती है, रिलीफ फीचर भी आते हैं इवन उसमें, बट साथ में सिटीज़, विलेज, माउंटेन, सब कुछ आ जाता है. लेकिन रिलीफ फीचर्स में ओनली जो अर्थ है उसकी हाइट के अकॉर्डिंग जो प्लेसेस होते हैं अर्थ में, बस वही चीज़ बताती है. तो इंडिया का जो रिलीफ फीचर्स हैं वो इसमें शो किए गए हैं फिजिकल मैप में, सच एज ऊपर आपका माउंटेन का एरिया है. ओके, माउंटेन को थोड़ा ब्राउनिश शेड दिया गया है, एंड ग्रीन कलर प्लेन्स को, जो आपने कलर स्कीम में पढ़ा था. ओके, एंड दिस इज़ प्लेट्यू रीजन, और ये अगेन प्लेन, कोस्टल प्लेन्स भी प्लेन है, तो इसे अगेन आपको ग्रीन कलर दिया गया है, एंड येलो और ऑरेंज आपके प्लेट्यूज और उसके हिल्स के लिए थे, तो येलो कलर आपका डेजर्ट के लिए भी दे दिया गया है. ओके, सो दिस इज़ फिजिकल मैप. ये जो बच्चे आपका मैप है, पॉलिटिकल मैप, ये आपका पीछे मैप स्किल का क्वेश्चन है. ठीक है, आपको अलग से मैप वीडियो नहीं बताई जाएगी. ओके, तो पॉलिटिकल मैप में आपको क्या करना है, सारी स्टेट्स को लेबल करना है विद देयर कैपिटल्स. तो ये दिया हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी गिवन. तो जिन बच्चों ने कॉपी की स्टार्टिंग में ही लेबल कर दिया था ये मैप को, ये हमने एक्टिविटी दी थी, तो उन्हें बनाने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, दे हैव ऑलरेडी मेड. ओके, लेकिन साथ में आपको सेकंड क्वेश्चन दिया गया है मैप स्किल का, उसमें क्या पूछा है आपसे, फोर थिंग्स पूछी हुई हैं जो मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ, तो वो आप फिर से समझ लेंगे फिजिकल मैप में और अपने मैप में फिल कर लेंगे. दो मैप बनाने पड़ेंगे आपको, टू क्वेश्चंस है. तो एक तो आपका वो पॉलिटिकल मैप हो गया, एंड दूसरे में पूछा हुआ है आपसे अरेबियन सी. सो दिस इज़ बच्चे अरेबियन सी. आप यहाँ पे इंडेक्स में कुछ भी इसको सिंबल दे देंगे, वाटर के लिए वैसे भी ब्लू कलर है, तो ब्लू कलर का आप या सर्कल बना लें, फिर आगे अरेबियन सी. सो दिस इज़ अरेबियन सी, ये जो बॉम्बे गुजरात के साथ है आपका, दिस इज़ अरेबियन सी. गॉट इट? सो नेक्स्ट इज़ नॉर्दर्न प्लेन्स, जो मैंने आपको फिजिकल फीचर में बताया था, ये पूरा ग्रीन पोर्शन जो है आपका नॉर्दर्न प्लेन्स, ये नॉर्थ साइड में है, साइड में है इंडिया के. सो ये यहाँ तक आता है, जहाँ जहाँ तक आपका असम का भी ग्रीन एरिया नज़र आ रहा है आपको, दिस इज़ नॉर्दर्न प्लेन एरिया. ओके, देन डेक्कन प्लेट्यू. डेक्कन प्लेट्यू आपका ये रहा, आप यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, दिस इज़ डेक्कन प्लेट्यू एंड द हिमालयस. अगेन हिमालयस के लिए आप नॉर्दर्न प्लेन से ऊपर ये सारा एरिया ब्राउन कलर में ऐसे ये पूरा का पूरा शो करेंगे. ओके, बीच में यहाँ से जहाँ तक आपको ब्राउनिश शेड दिखाई दे रहा है, ये वाला पूरा एरिया जम्मू कश्मीर, हिमाचल एंड उत्तराखंड, फिर बीच में नेपाल आ जाता है, फिर आफ्टर दैट आप उसको यहाँ पे ये सिक्किम को भी शो करेंगे, और ये सारे
अरुणाचल प्रदेश के एरिया को भी आप शो करेंगे, यहाँ तक भी शो कर सकते हैं, क्योंकि नीचे की जो पहाड़ियाँ हैं वो आती भी हैं, नहीं भी आती हिमालयाज में, उन्हें आप पूर्वांचल हिल्स कहते हैं। तो आप ऊपर वाला अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय शो कर सकते हैं, नीचे वाले एरियाज़ को करने की ज़रूरत नहीं है। गॉट इट? तो ये फोर थिंग्स आपसे पूछी हुई हैं। अरेबियन सी को मैं फिर से मार्क कर देती हूँ, यहाँ पे कोई अलग सा आप सर्कल लगा सकते हैं। दिस इज़ अरेबियन सी एंड देन नॉर्दर्न प्लेन्स ग्रीन एरिया, ओनली नॉर्थ साइड ग्रीन एरिया, कोस्टल प्लेन्स को मत आप वो कर देना। एंड दिस इज़ माउंटेनियस रीजन आपका, द हिमालयस एंड डेक्कन प्लेट्यू, ये जो मैंने आपको ट्राइंगल सा बताया है, ओके, दिस इज डेक्कन प्लेट्यू। सो दैट्स ऑल इन योर मैप स्किल, ओके। सो रिवाइज द टॉपिक बच्चे। सो चिल्ड्रन, दैट्स ऑल इन टूडेज टॉपिक, ओके। सो नोट डाउन क्वेश्चन आंसर इन योर नोटबुक एंड ऑल्सो पेस्ट योर मैप इन योर नोटबुक, ओके। दैट्स ऑल फॉर टूडे।